इनको कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला, कंधे पे हाथ रखने वाला नेता आया, कोई गवर्नमेंट का नहीं आया, कोई आगे इनके हाल तो क्या पूछता, ऊपर से इनकी ढंग से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही है, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत शांति प्रिय है और अमन चाहता है, उसको इतना मत दबाओ, इतना मत दबाओ कि दाब पड़ने पर बकरी भी सींग मार देती है। फिर रात के लगभग 2:30 बजे हुए हैं और यहाँ पे कारी ओवैस के अब्बा, रिश्तेदार और भाई मौजूद हैं। इस वक्त हम कोतवाली चांदनी चौक के बाहर मौजूद हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 दिन पहले कारी ओवैस की कुछ भीड़ ने हत्या कर दी थी। यहाँ पे ये लोग काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। चलिए सीधे बात करते हैं कारी ओवैस के भाई और अब्बा से कि उनका क्या कहना है इस मामले के अंदर, वो क्या मांग कर रहे हैं। जी क्या कहना है आपका? हमारी मांगे है जी, हमारे भाई के दोषी को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, कितने बजे चले थे कारी ओवैस शामली? मैं शामली से तो नहीं जी, मैं ओखला से चले थे जी, 7 बजे। जी ओखला से 7 बजे जो इसके पास से चले थे जी, वो भी मौजूद है। वही काम से दिल्ली पहुँच रहे थे वो? दिल्ली इमामत के लिए आ रहे थे जी, वो उसने जगह तलाश कर रख दी कोई ओखला में। अच्छा, ओखला में? ओखला में जी। जी जी, वो ओखला में आए थे जी, उनके हमारे गांव के लड़के हैं जो उनका कोल स्टोर है केड़ेगा, वो एक रात वहाँ पर टिके और जो उसने जगह नहीं मिली, मैं घर के लिए वापस निकले। वापस निकलने के बाद में यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरे जी, यहाँ कुछ लीड लाड के खरीदने लग गए। लीड खरीदने के चक्कर में उन्हें 50 रुपये की लीड ली जी, उसने ओवैस ने जी, कारी ओवैस ने वो लीड फाड़ कर देख ली जी। उस पाड़ने के ऊपर वो बोला कि मेरे मोबाइल में नहीं लगती जी, वो वापिस देने लगा तो उसने कोई उत्ता पत्ति हो गया जी, उसके 5-7 लड़के आने के मारन लग गए, दो थे जान बचा कर भाग गए। हमें हमारा इंसाफ मिलना चाहिए जी बस। और के अब्बा जान भी हमारे साथ में मौजूद है जी, आपकी क्या राय है, आप क्या चाह रहे हैं इस मामले के अंदर? इंसाफ चाहिए जी हमें, कारी ओवैस का इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा देश इस वक्त आपके साथ में मौजूद हो रहा है जी। और देश के अलग अलग जगहों से आपके साथ में लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे जी। आप उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल सरकार इंसाफ के तरीके से, जिस तरीके से उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी? नहीं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सर। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है मुल्क के जो हालात हैं, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं चांदनी चौक से यहीं से हूं, रहने वाला शामली का ही हूं मैं भी। जी जी उस्मान, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मुल्क में जो हालात हो, रोज़मर्रा कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है लिंचिंग है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर तक बातें नहीं पहुँचती? क्या ये ऊपर सरकार तक बातें नहीं पहुँच रही हैं? मोदी जी पूरी दुनिया में घूमते हैं, 125 करोड़ का वादा करते हैं, 130 करोड़ की जनता का वादा करते हैं और मुस्लिम ममालिक अपने मुल्क का सबसे सर्वोच्च एजाद दे रहे हैं, तो क्या उनको इस कम्युनिटी के, यहाँ मुसलमानों के हालात नजर नहीं आते कि रोजाना मार दिया जाते हैं, अकेले को घेर करके और कोई सुनवाई नहीं है, कोई ढंग से रिपोर्ट करने वाला नहीं है, यहाँ रात में अंधेरे में मच्छर खा रहे हैं और गर्मी में ये लोग बैठे हैं, इनको कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला, कंधे पर हाथ रखने वाला नेता आया, कोई गवर्नमेंट का नहीं आया, कोई आगे इनके हाल तो क्या पूछता, ऊपर से इनकी ढंग से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही है, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत शांति प्रिय है और अमन चाहता है, उसको इतना मत दबाओ, इतना मत दबाओ कि दाब पड़ने पर बकरी भी सींग मार देती है। फिर इतना मत दबाइए, एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, तो आप ऐसा मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी से मेरी डायरेक्ट आपके माध्यम से अपील है कि आप इसमें सीधे संज्ञान लीजिए और रोजमर्रा ये लिंचिंग की घटनाएं हो रही है इसको काबू में कीजिए, इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। आपको सर्वोच्च सम्मान मिला है, उसकी तो कुछ लाज रखिए थोड़ा सा, आपकी छवि सुधर रही है दुनिया के अंदर, तो अपने मुल्क में तो अपनी छवि को सुधार के रखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा उसकी परवाह कीजिए कि आप जो है विश्व स्तर के नेता बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हिंदुस्तान में क्या है, फिर हिंदुस्तान में आपकी छवि अच्छी नहीं रहेगी इस तरह अगर आप एक तबके को इग्नोर करते चले जाएंगे, तो ये तो समझा जाएगा ना कि जबानी वादा है खाली 130 करोड़ का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तुरंत से जितनी जल्दी हो सके प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए कि लिंचिंग की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए और कानून इस पर सख्त से सख्त जो है कोई संसद में प्रस्ताव पार करके सख्त से सख्त सजा का प्रावधान बनना चाहिए।